हाय बच्चों, सब कैसे हो? हाँ तो बच्चों, हमने कल की तासिका में क्या देखा था बताओ? चित्र देखो और वस्तुओं के नाम लिखो, मुहावरे और पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्द लिखो। बच्चों, मैंने आपको काम दिया था कल, क्या बोला था कि शुभम पिता के साथ बाजार में इस पाठ में आने वाले बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आपको ढूंढ के लिखने के लिए कहा। मैंने कल क्या क्या बच्चों, मैंने सिर्फ चार या पांच अंग्रेजी शब्द लिखे हुए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे शब्द अंग्रेजी शब्द ढूंढ के लिखे हुए। बच्चे कीप इट अप, ऐसे ही स्टडी करते रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, देखो पेज नंबर 67 निकालो घर से, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67 निकाला। क्या है देखो बच्चों, क्या है ये? परिवारों के सदस्यों के सदस्य से रिश्ता। अभी हमें परिवार के सदस्यों से रिश्ता क्या कहते हैं हमें उधर लिखना है। सीखो ये तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है? मैं भी आपसे पूछूंगा, आपको ठीक से बताना और वहां पे पेंसिल से लिखना, ठीक है बच्चों? ठीक है तो बच्चों, मुझे बताओ, कोई एक ही बताएगा? पूरा सभी हाथ उठाएगा, मैं जिसको बोलूंगा वही करेगा। ओके, पिताजी के हमारे क्या लगते हैं? कौन बताएगा? वेट, अंश मांडेकर खड़े हो जाओ, बताओ पिताजी के पिताजी हमें क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? दादाजी, वेरी गुड। क्या लगते हैं? दादाजी। तो बच्चों, उधर जो जगह है ना, इधर यहां पे लिखो दादाजी, लिखो क्या लिखा है? दादाजी, पिताजी के पिताजी ये हमारे दादाजी लगते हैं। हो गया, दूसरा देख लो बच्चों, पिताजी की माताजी ये हमारी क्या लगती है? यशस्वी खड़े जाओ, बताओ पिताजी की माताजी ये हमारी क्या लगती है? दादी, वेरी गुड। उधर लिखो बच्चों, दादी, पिताजी की माताजी हमें हमारी दादी जी लगती है। तो जहां पर जो जगह है वहां पे लिखो दादी जी। हो गया, ठीक है। थर्ड वन लिखो बच्चों, नंबर 3, माताजी के पिताजी ये हमारे क्या लगते हैं? आपकी जो माँ है उनके पिताजी आपके क्या लगते हैं? कौन बता सकता है? राजेश बताओ, माताजी के पिताजी ये आपको क्या लगते हैं? आपकी जो मम्मी है राजेश, जो मम्मी है उनके पिताजी आपको क्या लगते हैं? नाना जी, वेरी गुड। क्या लगते हैं? नाना जी। माता जी के पिताजी ये हमारे नाना जी लगते हैं, हाँ बराबर ना? तो वहां पे लिखो नाना जी, लिखा? ठीक है, सत्यम,
खड़े हो जाओगे, आपका नंबर है। बताओ मुझे माताजी की माताजी ये हमारी क्या लगती है? माताजी की माताजी ये हमारी क्या लगती है? नानी। वेरी गुड। वहां पे नाना जी, यहाँ पे नानी। वेरी गुड। तो माताजी की माताजी हमारी नानी लगती है, ठीक है। वहां पे लिखो बच्चों पे नानी, देखा? ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट वन, पिताजी के छोटे भाई ये हमारे क्या लगते हैं? पिताजी के छोटे भाई हमें क्या लगते हैं? आपके पिताजी के छोटे भाई आपको क्या लगते हैं? युवश्री बताओ क्या लगते हैं? चाचा जी। पिताजी के छोटे भाई ये हमारे चाचा जी है। सुंदर को बच्चों चाचा जी। हो गया। हाँ नेक्स्ट वन देखो बच्चों, पिताजी के छोटे भाई की पत्नी, पिताजी के छोटे भाई की पत्नी ये हमारी क्या लगती है? आपके जो पिताजी है उनके छोटे भाई की पत्नी, ये पिताजी है उनके छोटे भाई की पत्नी आपको क्या लगती है? मंजरी बताओ। चाची। वेरी गुड। वहां पे लिखो बच्चों चाची जी। हो गया। अब नेक्स्ट वन देखो बच्चों, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन ये हमारी क्या लगती है? जानवी बताओ, पिताजी की बहन आपको क्या लगती है? मौसी नो, अत्ती। अत्ती तो मराठी हो गया, अत्या मराठी हो गया, हिंदी में एक शब्द है, वर्ड है, क्या लगती है? बुआ जी। वेरी गुड। पिताजी की बहन ये हमारी बुआ जी लगती है। क्या लगती है बच्चों? बुआ जी। लिखो वहां पे बुआ जी। पिताजी की बहन ये हमारी बुआ जी लगती है। देखो लास्ट में देखो बच्चों, पिताजी के की बहन के पति ये हमारे क्या लगते हैं? देखो बच्चों, पिताजी की बहन के पति ये हमें क्या लगते हैं? आपके पापा है, पापा की जो छोटी बहन है, कौन सी बहन है? उसके हस्बैंड मतलब उनके पति ये हमारे क्या लगते हैं? कौन बताएगा? पिताजी की बहन के पति ये हमें हमारे क्या लगते हैं? हाँ पीछे आराध्या क्या लगते हैं? फुफाजी। वेरी गुड। पिताजी की बहन के पति ये हमारे फुफाजी लगते हैं। वहां लिखा, लिख लिया? तो बच्चों अभी हम, मैंने जो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है वहां पे अंग्रेजी लिखा हुआ है, अंग्रेजी देखो थोड़ा बड़े हैं, ठीक से आई हुई क्या? हाँ ठीक है बच्चों। सन, तो बच्चों मुझे बताओ सन को हिंदी में क्या कहते हैं? सन को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटा। क्या कहते हैं? बेटा। और डॉटर को? डॉटर को क्या कहते हैं? बेटी। क्या कहते हैं? बेटी। एल्डर ब्रदर को? एल्डर ब्रदर को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ बड़ा भाई। क्या कहते हैं? बड़ा भाई। एल्डर ब्रदर को बड़ा भाई।
यंगर ब्रदर को, यंगर ब्रदर को हिंदी में क्या कहते हैं? आदित्य बताओ, यंगर ब्रदर को क्या कहते हैं हिंदी में? छोटा भाई। क्या कहते हैं? छोटा भाई। अंकल को क्या कहते हैं बच्चों? अंकल को क्या कहते हैं? बड़ा मामा। क्या कहते हैं? बड़ा मामा। और आंट को बड़ी मामी। यहां पर देखो बच्चों, हस्बैंड को क्या कहते हैं हिंदी में? हस्बैंड को क्या कहते हैं मराठी में? क्या कहते हैं बच्चों हस्बैंड को? नवरा। तो हिंदी में क्या है, क्या है वर्ड, प्रॉपर वर्ड? पति। हस्बैंड को पति। वाइफ को क्या कहते हैं बच्चों? पत्नी। क्या कहते हैं? पत्नी। और ग्रैंडमदर को? दादी। ग्रैंडमदर को कहते हैं दादी। और ग्रैंडफादर को दादा। ग्रैंडफादर को दादा। हाँ ठीक है, ये आपके लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको मालूम है, लिखना हो तो बाद में स्क्रीनशॉट निकल के लिख सकते हो। हाँ बच्चों, अभी ये परिवार के सदस्य के से रिश्ता ये तो हो गया। मैं अभी आपको ये तो हो गया। फिर तो बच्चों आज के लिए आपका HW क्या होगा तो मालूम है? हमने आज क्या देखा? परिवारों के सदस्यों से रिश्ता। तो उस पर ही आधारित मैं आपको एक HW देने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ। तो क्या होगा बच्चों होमवर्क? देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है HW, आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखो। आपके घर में जो आपके परिवार के सदस्य है उनके आपको नाम लिखने हैं। हाँ नाम लिखकर कौन सबके नाम लिखना है? हाँ आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखो। हाँ लिख सकते हो बच्चों? देखेंगे हाँ कौन लिखा लिखता है। मुझे भी मालूम होना चाहिए ना आपके घर में कौन कौन से है, कौन कौन है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। हाँ देखिएगा ओके, आपके लिए क्या है आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखो। ठीक है बच्चों, तो आज हम यही पर लिखने वाले हैं। घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।